हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू चैनल दैट इज द अयुर्वेदा टॉक्स। एक्चुअली कई दिनों से मैं अपने एग्जामिनेशन वाइवा और उसी के साथ कॉलेज की फेस्ट के अंदर बिजी था एंड मैंने सोचा कि यार मुझे अपने कॉलेज लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है रादर दैन ऑन यूट्यूब एज वेल एज अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो मैं अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहा था, बट अभी मैं फ्री हूँ तो मैं आपके बारे में, आपके रिलेटेड और BMS के बारे में कुछ बातें कर सकता हूँ। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वॉज गेटिंग ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल एज इन द कॉमेंट सेक्शन कि भैया मैं फर्स्ट ईयर या तो सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मुझे BMS के लिए क्लासेस लगाने हैं फॉर द थ्योरी पर्पज। सो माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं BMS के अंदर एंड मेरे कई सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, कई सारे कॉलेजेस के अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं, कई सारे एसोसिएशंस के अंदर मेरा नाम है एंड मल्टीपल चीज़ें मैं करता हूँ, बट टिल नाउ अभी तक मैं एक भी ऐसे क्लास के बारे में नहीं जानता जो कि आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए थ्योरी क्लास प्रोवाइड करता है। लेट मी गिव ए एग्जांपल, अभी तक मैं ऐसे कोई क्लास के बारे में नहीं जानता जो कि आपको फर्स्ट ईयर की हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक पढ़ा दे। ठीक है, आपको अगर कोचिंग्स लेनी है, क्लासेस लेने हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। लाइक मैं जानता हूँ कि कई संस्कृत की क्लासेस है, कई पदार्थ विज्ञान की क्लासेस है, फार्माकोलॉजी की क्लासेस है, द्रव्य की क्लासेस है, ऐसे इंडिपेंडेंट क्लासेस है, बट एज अ होल किसी क्लास के बारे में मैं नहीं जानता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप AIPGT के क्लासेस लगाना चाहते हो तो वो तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्लासेस अवेलेबल है। मैं 4-5 क्लासेस जानता हूँ जो कि सच में अच्छे हैं, या पर कोई मैं स्पॉन्सरशिप नहीं करना चाहता, बट इस वीडियो को बनाने का एक इंटेंशन था मेरे दोस्तों कि अभी आप फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या तो 10th क्लास में नहीं हो। ठीक है, जब तक आप स्कूल में जाते थे, आप एक बच्चे थे, तब तक आपको ऐसी कोचिंग्स लगाने का इम्पोर्टेंस था, बट उसके बाद में जब भी आप कॉलेज लाइफ में जाते हो तो आपको ऑलमोस्ट 30% से लेकर 40% सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा। लाइक हमारे कॉलेज के अंदर, मेरा कॉलेज गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, वसुंधरा पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स होते हैं, बट सिलेबस कवर 100% कहीं पर भी नहीं होता, चाहे आप MBBS के अंदर जाओ या कोई अदर पैथी। तो जो भी बच जाएगा या तो जितना भी बच जाएगा उतना आपको खुद से कवर करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है कि यार आपको संस्कृत वगैरह बिल्कुल नहीं आता, देन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए क्लास लगा लूँ, बट भैया मुझे कोचिंग चाहिए, मुझे फर्स्ट ईयर के लिए सभी क्लासेस चाहिए, दिस इज़ नॉट अवेलेबल। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन फॉर यू माई डियर फ्रेंड कि आप जो अपना कॉलेज है उसके अंदर जितने भी लेक्चर्स होते हैं, जितने आपको जमते हैं उतने अच्छे से करो, अदरवाइज कोई कोचिंग के पीछे मत जाओ। अगर आपको AIPGT के क्लास लगाने हैं तो उसे लगा लो, 3rd-4th ईयर के बाद आप लगा सकते हो आराम से। ठीक है, 3rd ईयर के अंदर भी लगा सकते हो, 4th ईयर के अंदर भी लगा सकते हो, इंटर्नशिप के अंदर भी लगा सकते हो। ठीक है, बट किसी कोचिंग की नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेल्फ स्टडी इज इनफ इफ योर बेसिक इज स्ट्रॉन्ग। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर और मुझे सुनने के लिए। अगर आप यहाँ पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और आपका प्यार हमें दे सकते हो। थैंक यू।